नुहू हिंसा मामले में आरोपी मोनू मानेसर को जेएमआईसी अमित वर्मा की अदालत ने आज जमानत दे दी। मोनू मानेसर को नुहू पुलिस ने तकरीबन एक माह पहले गिरफ्तार किया गया था और मोनू मानेसर को इसी कोर्ट में पेश किया गया था। अगर हम कोर्ट की बात करें तो यहाँ लगातार नुहू हिंसा मामले में मोनू मानेसर के मामले में सुनवाई चल रही थी। एक बार उनके वकीलों ने पहले भी उनकी जमानत याचिका लगाई थी लेकिन कोर्ट ने उसे नामंजूर कर दिया था। आज मोनू की जमानत याचिका पर जेएमआईसी अमित वर्मा की अदालत में सुनवाई हुई तो मोनू मानेसर को दोनों पक्षों की वकीलों की दलीलें सुनने के बाद दोपहर बाद तकरीबन 4 बजे 1 लाख रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दे दी गई। अगर हम बात मोनू मानेसर की करें तो मोनू मानेसर नुहू हिंसा का आरोपी था। नुहू पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था। उसके अलावा नासिर जुनेद हत्याकांड से भी उसका नाम जुड़ा था, जो राजस्थान के रहने वाले थे। राजस्थान के नासिर और जुनेद के मामले में राजस्थान पुलिस उसे प्रोडक्शन वारंट पर लेकर गई थी और कुछ दिन उसे वहां जेल में रखा गया था। उसके बाद पटौदी में हत्या के प्रयास का एक मुकदमा मोनू मानेसर और उसके साथियों पर दर्ज था। उसमें हरियाणा पुलिस ने प्रोडक्शन वारंट लगा करके मोनू मानेसर को पटौदी की कोर्ट में पेश किया था और पटौदी कोर्ट ने मोनू मानेसर को भोंडसी जेल भेज दिया था। भोंडसी जेल में पिछले कुछ दिनों से मोनू मानेसर बंद था। 3 अलग अलग मुकदमों में मोनू मानेसर के खिलाफ सुनवाई हो रही थी। नुहू की अदालत में जो मोनू मानेसर के खिलाफ नुहू हिंसा को भड़काने, सोशल मीडिया पर गलत पोस्ट डालने का जो आरोप था और उससे पूछताछ के दौरान जो हथियार बरामद किया गया था, उस मामले में उसको जमानत मिलनी थी, जिसे आज कोर्ट ने मंजूर कर लिया। अब मोनू मानेसर की जो मुश्किल है, कुछ हद तक नुहू हिंसा मामले में कम हो गई है, लेकिन मोनू मानेसर अभी भी जेल में रहने वाला है, क्योंकि नासिर और जुनेद के हत्याकांड का आरोप उस पर है और इधर पटौदी में एक युवक पर गोली चलाने का आरोप है। कासिम खान, हरियाणा तक, नुहू मेवात।